हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में। दोस्तों, फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ में आ चुके हैं मथुरा के अंदर, बिल्कुल हाईली डिमांडेबल लोकेशन जो कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, डेली बेसिस में कॉल आती हैं क्योंकि हम वृंदावन गोवर्धन में बहुत सारी वीडियोस डालते हैं। तो मथुरा में मतलब इतनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है नहीं है जो आप लोगों के लिए हम दे सकें, तो कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये जो घर है मेरे पास में आया हुआ है 111 गज का, जो कि लमसम 21x47 की इसकी फ्रंट और डीप्थ है, जो कि अंदर मैं आपको पूरा इसका वॉक अराउंड कराने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल 10% इसमें काम रह गया है, थोड़ा बहुत जो हम करा रहे हैं, जो हो सकता है 10 से 12 दिन में आपको कंप्लीट करा के दे देंगे। ये आपको मिलता है छोटा सा पार्किंग स्पेस, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऊपर जाने के लिए हमने दे रखा है, ये हमारा मेन एंट्री है, तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, बाकी मैं आपको यहाँ से अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है। मेन गेट है और इधर की साइड में ये हमने एक कॉमन वॉशरूम छोड़ा हुआ है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अब हमारा स्टार्ट जो होता है वो यहाँ से हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले लॉबी पोर्शन, ठीक है। गेस्ट रूम इसको आप बना सकते हैं, लॉबी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना वाइट लॉबी एरिया आपको मिल रहा है। देख, सोफा वगैरह डाइनिंग वगैरह डालने के बाद में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। मेन गेट हमारा ये वाला है, अभी इसमें काम चल रहा है, माइका वगैरह लग रही है, इसलिए बाकी अपर साइड देखें तो काम वाम सारा कंप्लीट करा रखा है, लाइटिंग वाइटिंग का सारा काम कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। इधर की साइड में एक किचन पोर्शन है, किचन हम मॉड्यूलर करा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं पूरा नीचे से कंप्लीट है, पूरा एक एक आपने देखा होगा, एक टैब दो टैब, मैंने यहाँ पे दो दो तीन तीन टैब लगा रखे हैं, अपर साइड बिल्कुल सिंपल सा काम करा रखा है, ठीक है। ये हमारे दो बेडरूम्स हैं, फर्स्ट वाला बेडरूम ये है, ठीक है, जिसमें कि अटैच लेटरिन वॉशरूम है। ये अंदर की साइड में पूरा नीचे का टाइल वर्क वगैरह कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। और ये पीछे की साइड में हमने दिया एक नॉर्मल वेंटिलेशन के लिए छोटा सा स्पेस, ठीक है, इसमें आप आराम से अपना चाहें तो कुछ भी आप रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह। और ये हमारा सेकेंड वॉशरूम देख सकते हैं आप, ठीक है। तो थ्री वॉशरूम है, इसमें कॉमन है, दो बेडरूम से अटैच हैं, ये इस वाले बेडरूम से अटैच हो जाएगा, ये भी हमारा बेडरूम है। तो इसमें दो बेडरूम, किचन, लैटवॉथ और एक लॉबी एरिया, ये आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोड़ रखा है, वैसे ब्रश वगैरह करना है, हाथ वगैरह धोने, तो आप यहाँ पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी पूरा एक बार फिर से वॉक अराउंड करा दी, यहाँ से ये पूरा गेस्ट रूम स्टार्ट होता है, आगे आपका लॉबी पोर्शन स्टार्ट होता है, फिर सामने की साइड में आपको दो बेडरूम मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको किचन पोर्शन मिलता है, और पीछे की साइड में हमने दो वॉशरूम छोड़ रखे हैं। तो दोनों बेडरूम में अटैच वॉशरूम है, एक नॉर्मल वॉशरूम है बाहर की साइड में जो आप यूज़ कर सकते हैं, और सोसाइटी के अंदर है, गेटेड सोसाइटी है, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, और पास में स्कूल है, पार्क है सोसाइटी के अंदर, लॉन की सुविधा भी अवेलेबल है, अगर आपको लॉन चाहिए तो लॉन मिल जाएगा। 111 गज का है, तो बेस्ट प्राइस में आपको ये मिल रहा है प्रॉपर्टी, और सिंप्लेक्स बना हुआ है। बाकी आपको मैं ऊपर से भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जीना से ले जाता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं ये हमारा जीना है जो कि ऊपर जाता है, इसमें रेलिंग वेलिंग का पत्थर वगैरह का सारा काम हमने करा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने पूरा मिरर वगैरह जो लगते हैं ना आपको, मतलब थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप की हो जाती है, बाहर से दिखता है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। ये हमने एक गुमटी सी बना रखी है जो कि आप चाहें तो यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ये रेलिंग वगैरह का काम करा रखा है। बाकी आप चारों तरफ दिखाइए, पूरा घर वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो जल्दी से जल्दी दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, मथुरा के अंदर अर्जेंट सेल में ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल रही है। राधे राधे।